तुम तो राधा से नाराज हो और हमें लेट हो रहा है, तो चलते हैं, तुम बाद में मिलना। हाँ हूँ, क्योंकि उसने आपसे बुरी तरीके से बात की थी, पर अगर कोई और बैड हो तो हमें भी बैड नहीं बनना चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा गुनगुन, गेस्ट रूम में है राधा। गुनगुन मत मिलो ना राधा से, तुम रहने दो ना, तुम जाओ, बस भी तो आ गई है ना। आप मुझे राधा से प्लीज मिलने दो ना, एटलीस्ट आप मुझे उससे बाय तो बोलने दो, क्योंकि मैं उससे कभी भी मिले बिना कहीं नहीं जाती हूँ, घर से दूर स्कूल ट्रिप के लिए नहीं जाती हूँ पापा। गुनगुन सुनो, तुम खिड़की से ही मिलना, दरवाजे पे मत जाना, उसकी वो मोहन राधा की तबीयत ठीक नहीं है ना, बस गुनगुन की फिक्र हो रही थी इसलिए। इसलिए आपको बाय बोलना है जी। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में तो शेर भी होता है, शेर ने कहीं गुनगुन को पकड़ लिया और उसे कुछ हो गया तो? नहीं गुनगुन, हम आपको कहीं भी जाने नहीं देंगे। गुनगुन आप कहीं नहीं जाएंगे, हम आपको नहीं जाने देंगे, हम आपको नहीं जाने देंगे। राधा मेरा हाथ छोड़ो, गुनगुन समझिए ना, हम आपको नहीं जाने देंगे। क्या जरूरत थी बोलने की? समझती क्यों नहीं हमारी बात? राधा गुनगुन को छोड़ो, राधा छोड़ो गुनगुन को, छोड़ो गुनगुन को। राधा छोड़ो प्लीज गुनगुन को, राधा प्लीज छोड़ो। राधा ये क्या कर रही हो, छोड़ दो गुनगुन को, राधा छोड़ो गुनगुन को। ये तुलसी ना हमारी बच्ची की जान ले लेगी, मगर तुलसी नहीं है। राधा अरे हम कह रहे थे ना ये पागल हो गई है, अब आई बात समझ में? ये ऐसे नहीं मानेगी। तुलसी क्या करियो तुम? तुलसी भाभी ये क्या कर रहे हो? मोहन, मोहन गुनगुन को राधा से बचाओ, राधा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, गुनगुन को चोट लग जाएगी। राधा चलो, काट और तुलसी काट, हम तो कहते हैं कि सारे के सारे दांत उस चुड़ैल के हाथ में घुसाते बिटिया।